नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों कैपजेमिनी का ऑफर लेटर रिलीज हो चुका है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो वही देख रहे होंगे जिनके पास कैपजेमिनी का ऑफर लेटर आ चुका है। तो सबसे पहले तो यार कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसके पास कैपजेमिनी का ऑफर लेटर आ चुका है। उससे पहले यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यार टेक एंड टारगेट का फीडबैक फॉर्म है। अगर आपने कैपजेमिनी की प्रिपरेशन हमारे चैनल से की थी, अगर आपने आपको लगता है कि अगर हमारे चैनल आपकी हेल्प भी की थी, तो प्लीज फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि यार हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स की हमने हेल्प की है। यहां दोस्तों आपको सिंपली अपना नेम, ईमेल आईडी, बैच, आप दोस्तों कौन से कॉलेज से हो, ग्रेजुएशन कोर्स, रीजन, ब्रांच, आपको दोस्तों कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, कैपजेमिनी में हुआ है तो दोस्तों कैपजेमिनी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों व्हाट हेल्प यू द मोस्ट इन गेटिंग प्लेसमेंट, कौन सी चीज दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया। अगर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, इंटरव्यू टिप्स, जॉब अपडेट्स भी आया तो दोस्तों टाइमली हायरिंग अलर्ट्स, दोस्तों आपको सब कुछ सेलेक्ट करके दोस्तों प्लीज फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक फीडबैक का मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू एक्सेप्ट कैपजेमिनी ऑफर लेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। कल मेरे पास एक से दो स्टूडेंट के रात को मेल आए, बट जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास इतने सारे मेल की सर एक वीडियो बनाओ अलग से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं सर, उसके बारे में भी हमें बताइए। साथ ही सर ये भी बताइए कि हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। साथ ही साथ दोस्तों ज्वाइनिंग डेट कब आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको हर एक अपडेट बहुत ही जल्दी देते हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताने वाला हूं कैपजेमिनी ऑफर लेटर, कैपजेमिनी ऑफर लेटर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हाँ दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों आपको मींस डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर भी बहुत चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप उस चीज का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है आगे चलकर। नेक्स्ट है हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। फिर है दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट, दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूं एज वेल एज ज्वाइनिंग डेट। तो दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि कैपजेमिनी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें आता है दोस्तों पहले पासपोर्ट साइज फोटो। हाँ दोस्तों, आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, और जब भी यार आप अपनी फोटो देते हो, ठीक है तो ये वाला जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट होना चाहिए हमेशा। आप समझ रहे होंगे, ये आपका व्हाइट होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर आपकी एक अच्छी फोटो लगनी चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 10th और 12th की दोस्तों मार्कशीट। फिर बात करते हैं ग्रेजुएशन मार्कशीट। अब दोस्तों बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, सर मैं तो फाइनल ईयर में हूं, सर यहां तो अभी तक मार्कशीट आई नहीं है कॉलेज से, तो सर कितनी मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है, क्या करनी है। फिर दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल डिग्री, इफ पॉसिबल गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, डिप्लोमा मार्कशीट्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट्स इफ एप्लीकेबल। तो दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा, यहां सबके आगे लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल। तो दोस्तों आपको इन चीजों का ध्यान देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का भी दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां एक नोट है आप सभी के लिए, प्लीज नोट दैट इफ यू हैव कंप्लीटेड योर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इट इज मैंडेटरी टू अपलोड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। दोस्तों ये वीडियो वही देख रहे होंगे जो तो यार 2019, 20, 21, 18, 17 बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे। देखो यार, अगर आप फाइनल ईयर में थे और आपने अगर अपना कैपजेमिनी का एग्जाम दिया था, तो यार आपके पास ऑब्वियसली डिग्री नहीं होने वाली है, सारे मार्कशीट्स भी नहीं होंगी। बट हाँ, अगर आप 2019-20 या फिर पास आउट बैच हो, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आपके पास सब कुछ होने वाला है, तो आपको हर एक चीज अपलोड करनी है। आगे बढ़ते हैं, नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल कंप्लीटिंग द प्रोसेस। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक री लेवल की साइड से एक हायरिंग अपडेट आया उसके बारे में बता देता हूं। और दोस्तों री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से दोस्तों आपको 15 डेज के अंदर जॉब लग सकती है, और दोस्तों काफी सारे डोमेन्स में आपको जॉब देता है, लाइक बैकहेंड, फ्रंट हैंड, बिजनेस, फुल स्टैक एंड बिजनेस एनालिटिक्स। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं आज के हायरिंग अपडेट्स की, तो दोस्तों फ्लीटेक्स टेक्नोलॉजीज की तरफ से हायरिंग आ चुकी है। बैकहेंड डेवलपमेंट में डोमेन है, 2022, 2021, 2019, 2018 सभी एलिजिबल होने वाले हैं, सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। और अगर दोस्तों मैं पैकेज की बात करता हूं, तो दोस्तों यहां से आप 15 से 20 LPA तक का पैकेज ग्रैब अप कर सकते हो। सिंपली दोस्तों रजिस्टर फॉर टेस्ट पर क्लिक करना है,
बैकएंड डेवलपमेंट पर दोस्तों सेलेक्ट करना है, बुक या फ्री स्लॉट करना है और दोस्तों बड़ी आसानी से रजिस्टर कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्कशीट शुड बी स्कैन एंड अपलोडेड सेमेस्टर ईयर वाइज ओनली। अब दोस्तों मार्कशीट शुड बी स्कैन का मतलब क्या है, तो दोस्तों आपको पहले अपनी मार्कशीट्स को स्कैन करना है, फिर उनको बहुत ही आसान तरीके से अपलोड कर देना है। काइंडली इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर क्लियरली स्कैन एंड अपलोडेड इन पीडीएफ, जेपीईजी, जेपीजे, पीएनजी फॉर्मेट ओनली। तो दोस्तों आपको इन फॉर्मेट्स का भी ध्यान देना है, तो एक बार इस चीज का दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट इज 4 MB। तो दोस्तों इन्होंने फाइल साइज लिमिट कर रखा है 4 MB, तो आप लोगों को दोस्तों इस पॉइंट पर भी ध्यान देना है। द फाइल नोमेनक्लेचर शुड बी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डॉक्यूमेंट नेम। तो दोस्तों इन्होंने नोमेनक्लेचर भी बता रखा है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। बाकी दोस्तों हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन व्हाट इज IRF एंड कोर्ट रिकॉर्ड फॉर्म। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन के सामने ये कुछ आएगा। देखो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, अपलोड या फोटो इन पासपोर्ट, ये आप लोग कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 10th मार्कशीट, आप सभी के पास होगी, अगर खो गई है तो यार अपने स्कूल से दोबारा अरेंज करो, अरेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये आपको अपलोड करनी है। क्लास 12th मार्कशीट, ये भी आप बड़ी आसानी से अपलोड कर दोगे। और एक बात और बता देता हूं, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो मैंडेटरी नहीं है अपलोड करना, क्योंकि मेरे से काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे और 10th और 12th में इस बार कोई परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं था, जैसा कि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट फॉर, आप जो भी कोर्स कर रहे हो अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स यू आर करेंटली एनरोल्ड ऑन। दोस्तों डिग्री सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप अपलोड कर सकते हो। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कैसे अपलोड करना है, दोस्तों जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहां पहले आपको एक फॉर्म को डाउनलोड करना है, ठीक है, उस डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकलवाओ, उसमें आपको साइन करना है, उस साइन को आपको स्कैन करना है और फिर दोस्तों आपको उसको अपलोड कर देना है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होगा, अरे यार यहां साफ साफ इन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, वो आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाइए, मैनुअली साइन करिए और उसको स्कैन करवाइए। साफ साफ लिख रखा है अपलोड मैनुअली साइन एंड स्कैन, आपको मैनुअली साइन करने हैं दोस्तों, कोई भी डिजिटल साइन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बताई है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ 2, यहां दोस्तों आपको और भी चीजें, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। IRF दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि ये मैंडेटरी है, दीज आर नॉट मैंडेटरी, तो टेंशन नहीं लेनी है, एक बार इसको डाउनलोड कर आप देख लीजिएगा। बट ये अगर है क्या, तो एक बार अगर आप गूगल पर डालोगे व्हाट इज IRF फॉर्म इन कैपजेमिनी, तो दोस्तों आप सभी को पता चल जाएगा व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिलीज फॉर्म IRF, हाउ डू आई डाउनलोड द IRF, IRF इज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। दोस्तों एक बार हम इसको और भी ध्यान से देख लेते हैं, तो दोस्तों आपको पता तो चल ही गया है वैसे, तो IRF के बारे में दोस्तों आप एक बार ध्यान से और देख लीजिएगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। यहां भी दोस्तों आपको इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, मैनुअली साइन करना है, स्कैन करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड चेक अंडरटेकिंग, यहां दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी और इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और अपलोड कीजिए। तो दोस्तों ऐसे कर आप बड़ी आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स भर सकते हो और IRF और इन चीजों में डरने की जरूरत नहीं है, एक बार डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। बट हाँ, ये मैंडेटरी नहीं होने वाले, मैंडेटरी सबसे ज्यादा दोस्तों 1, 2, 3, 4 है, अदरवाइज दोस्तों मैंडेटरी और कुछ नहीं दे रखा है। काइंडली रेफर टू द बिलो एग्जाम्पल फॉर डॉक्यूमेंट नोमेनक्लेचर। तो दोस्तों सपोज करिए राहुल सिंह इज इन 7th सेमेस्टर इंजीनियरिंग फ्रॉम ABC कॉलेज, द डॉक्यूमेंट्स वुड बी अपलोडेड एज दिस। तो दोस्तों पहले आपको अपना नाम लिखना है, इंजीनियरिंग सेमेस्टर, ऐसे दोस्तों आपकी फाइल होनी चाहिए। तो दोस्तों इनके पास 6th सेमेस्टर तक की मार्कशीट थी, इन्होंने अपलोड कर दी। अगर यार आपके पास 4th सेमेस्टर तक की है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपकी मार्कशीट अभी हार्ड कॉपी नहीं आई है तो आप ऑनलाइन अपने कॉलेज टीपीओ से अरेंज करवाकर भी अपलोड कर सकते हो। और नाम एक बार देख लीजिएगा, आपको अपना नाम और डॉक्यूमेंट का नाम ऐसे कर दोस्तों आपको अपलोड करना है, तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि राहुल सिंह 7th सेमेस्टर में थे, अर्णव चक्रवर्ती इज करेंटली इन 7th सेमेस्टर इंजीनियरिंग फ्रॉम ABC कॉलेज, ही हैज जॉइंड ABC कॉलेज वाया लेटरल एंट्री। तो दोस्तों लेटरल एंट्री में एड किया है, तो दोस्तों डिप्लोमा के मार्कशीट, फिर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 4, एक बार देख लीजिएगा कि कैसे अपलोड किए हैं।
आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। एग्जाम्पल थ्री, आदित्य शर्मा इज करेंटली इन फोर्थ सेमेस्टर एमसीए फ्रॉम एबीसी कॉलेज। तो दोस्तों आदित्य शर्मा कैसे अपलोड करने वाले हैं, पहले तो दोस्तों आदित्य शर्मा ने कोई ना कोई मींस अंडर ग्रेजुएशन की होगी तो उसकी सारी डिग्रीज इनको अपलोड करनी है, फिर एचएससी, फिर एमसीए की तीन मार्कशीट दोस्तों इन्होंने अपलोड कर दी क्योंकि ही इज करेंटली इन फोर्थ सेमेस्टर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तन्वी शर्मा हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम एबीसी कॉलेज, द डॉक्यूमेंट्स तन्वी वुड बी अपलोडेड बी एस फॉलोज। तो दोस्तों तन्वी क्या कर रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो गई है, तो दोस्तों तन्वी की अगर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो गई है दैट मींस उनके पास 8 सेमेस्टर्स की मार्कशीट होगी, इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट होगी, ऑब्वियसली डिग्री उनको मिल चुकी होगी, हाई स्टैंडर्ड, आईडी प्रूफ, फोटो, रिज्यूमे और सेकेंडरी स्कूल। सो आपको ये सब भरकर बहुत ही आसानी से कर देना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ज्वाइनिंग डेट, मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग फैब मिड या दोस्तों आपकी मार्च स्टार्ट में होने वाली है, मीन्स ये समझिए ज्वाइनिंग के बाद एटलीस्ट 1 से 1.5 मंथ लग सकता है या दोस्तों उससे पहले हो सकता है, और मैक्सिमम यही है। बाकी मैं दोस्तों समझता हूं मैंने सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए, और अगर दोस्तों आपका अगर और भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।